हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल मऊ यूट्यूब हिंदी चैनल पर। दोस्तों, यदि आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप भी ई श्रम कार्ड अपने आईडी से बना रहे हैं तो आपका भी कमीशन आया होगा, और उस कमीशन को कैसे चेक करना है, क्या है वो प्रोसेस, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाऊँगा। तो आपने अभी तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीएससी से ई श्रम कार्ड बनाने पर सीएससी ने बोला था कि आपको कमीशन दिया जाएगा, जैसे कि पर कार्ड 20 रुपये कमीशन देने की बात उस टाइम पे न्यूज़ निकल के ऐसे आ रही थी। तो काफ़ी सारे वीएलई कमेंट कर रहे थे कि हमारा ई श्रम कार्ड का कमीशन नहीं आ रहा है, कमीशन नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आपको कमीशन देखने को मिलेगा। और साथ में आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो इसका कमीशन आएगा वो डीजीपे वॉलेट में आएगा। तो मैंने अपने डीजीपे वॉलेट में चेक किया है और डेट बताऊंगा कौन से डेट में क्रेडिट हुआ है और क्या आया है, जो कि मैंने अपने आईडी से बहुत कम ही ई श्रम कार्ड बनाए थे। साथ में यदि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल मऊ के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा चैनल बना हुआ है। तो ई श्रम कार्ड से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमीशन वगैरह से लेकर के कोई भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो चलिए चलते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए उस न्यूज़ की तरफ। वो वॉलेट का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अपने, और वहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि कितना ई श्रम कार्ड का मुझे कमीशन मिला है, जो कि मैंने अपने आईडी से बनाया था। कुछ लोगों का इसमें कन्फ्यूजन ये भी है कि यदि आपने ऑपरेटर आईडी से ज़्यादा से ज़्यादा अपने ई श्रम कार्ड बनाया है तो उसका कमीशन किस में आएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास 4 ऑपरेटर आईडी है या 5 ऑपरेटर आईडी, जो मेन आईडी होगी उसी के डीजीपे वॉलेट में आपको वो मिलेगा ई श्रम कार्ड का पैसा। तो चलिए दिखाते हैं आपको जो ई श्रम कार्ड का बैलेंस हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, कौन से डेट में और कौन से टाइम पर क्रेडिट हुआ है, वो सारा डिटेल आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने अपना डीजीपे वॉलेट का स्क्रीनशॉट ले रखा है बिल्कुल अच्छे से। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 1077 रुपये क्रेडिट हुआ है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 16/1/2022 12:36:12 पर ये ई श्रम कार्ड वीएलई कमीशन करके आया है। और इसके पहले भी एक कमीशन आया था, मात्र 14 रुपये 24 पैसे आया था, वो भी ई श्रम कार्ड का ही आया था। तो वो आया था, वो पिछला डेट मैं आपको बता देता हूँ, 12/12/2021 को वो वाला पेमेंट आया था, तकरीबन दिसंबर में आया था। ये अमाउंट मेरा जनवरी में आया है, जो कि 1077 रुपये दिखा रहा है, जिसमें से मैंने 1050 रुपये विड्रॉल कर लिया है डिपॉजिट करके। हाँ दोस्तों, आधार कार्ड के थ्रू मैंने डिपॉजिट करके 1050 रुपये विड्रॉल कर लिया है। और मैंने अपने आईडी से बहुत ही कम ही ई श्रम कार्ड बनाए थे, उस हिसाब से नियर अबाउट 20 रुपीज़ पड़ जा रहे हैं पर ई श्रम कार्ड, नियर अबाउट। पूरा अकाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से मैं पूरा फाइनल नहीं कह पाऊँगा कि नहीं 20 रुपये पर ई श्रम कार्ड मिला ही मिला है, लेकिन नियर अबाउट उसी के आसपास पहुँच रहा है। तो आपका कितना आया है कमीशन, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो में जान कैसा लगा, आपका कितना कमीशन है प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।